आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा बाबा पुन्नालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था, अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा पड़ा और ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे। बीए उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया तथा कहानियां और कविताएं लिखने लगे। द्विवेदी जी बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि अपने बाद उन्होंने सरस्वती की बागडोर बख्शी जी को ही सौंपी। द्विवेदी जी के बाद 1920 से 1927 ईस्वी तक उन्होंने कुशलतापूर्वक सरस्वती के संपादन का कार्य किया। ये नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से दूर रहते थे। खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने पुनः सरस्वती का संपादन भार संभाला और सन 1971 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु में ही ये साहित्यिक सेवा करते हुए स्वर्गलोक को सिधार गए। तो अब हम जान लेते हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं क्या हैं। श्री पद्मलाल पुन्नालाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला हम देख लेते हैं निबंध संग्रह, इसमें है पंचपात्र, पदवन, तीर्थ रेणु, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरकंद आदि। काव्य संग्रह सतदल और अश्वदल। तीसरा है कहानी संग्रह, झलमला और अंजलि। चौथा है आलोचना, हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, उपन्यास साहित्य। पांचवा है अनुदित रचनाएं, जर्मनी के मारिस मेटरलिंक, दो नाटकों का प्रायश्चित और उन्मुक्ति का बंधन। अब हम जान लेते हैं साहित्य में स्थान। बख्शी जी भावुक कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, विपक्ष आलोचक, कुशल पत्रकार एवं कहानीकार हैं। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व साहित्य में इनकी गहरी पैठ है। अपने ललित निबंधों के लिए ये सदैव स्मरण किए जाएंगे। विचारों की मौलिकता और शैली की न्यूनता के कारण हिंदी साहित्य में शुक्लयुग के निबंधकारों में इनके निबंधों का विशिष्ट स्थान है। तो बस ये था श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। तो अब लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो।